गेम शो कौन बनेगा करोड़पति ठठ कुछ ऐसे प्रतियोगियों के साथ दर्शकों को लुभा रहा है जिनके पास न केवल बताने के लिए एक कहानी है बल्कि वे एक संदेश भी साझा करते हैं। वे वास्तविक जीवन के नायक भी हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही एक कर्मवीर इस सप्ताह हॉट सीट पर दिखाई देंगे जिन्होंने 35 साल पहले अमिताभ बच्चन को बचाया था। सोनी टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस एपिसोड की एक झलक भी शेयर की है। इसलिए कर्मवीर हैं डॉक्टर भोगराज रमना राव, बेंगलुरु के पद्मश्री डॉक्टर बी रमना राव एक मुफ्त क्लिनिक चलाते हैं जहां उनके साथ उनके बेटे चरित और अभिजीत भी गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। 15 अगस्त 1973 को MBBS डिग्री लेने के दूसरे ही दिन डॉक्टर रमना के पिता ने उनके फ्री क्लिनिक का उद्घाटन कर दिया था। क्लिनिक पहले एक टेंट में शुरू हुआ जो बेंगलुरु से करीब 35 किमी दूर टीबेगुड़ में था। यह सिलसिला पिछले 46 साल से चल रहा है। हर रविवार को लगने वाले फ्री क्लिनिक में तकरीबन 1000 पेशेंट पहुंचते हैं। मरीज रात 3 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर रमना ने बताई पूरी कहानी 1984 में जब अमिताभ बच्चन गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे तो उनका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था। वे कोई और नहीं बल्कि कर्मवीर डॉक्टर रमना राव थे। रमना राव ने कहा मंजुनाथ हेगड़े जो अमिताभ बच्चन के टीम मेंबर हैं उन्होंने मुझे आधी रात को 1:15 बजे फोन किया। उन्होंने मुझे एक व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा और यह भी बताया कि इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। रमना ने आगे बताया मैंने अपने डॉक्टर के कर्तव्य को पूरा किया। मैं सिर्फ 10 मिनट के भीतर बताई गई जगह पर पहुंच गया जहां मुझे अमिताभ बच्चन किसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए दिखाई दिए। मैंने उन्हें उचित इलाज दिया ताकि वह अच्छी तरह से ठीक हो सके और अपनी शूटिंग पर वापस आ सके। डॉक्टर राव ने बिग्बी का इलाज करने के बाद एक अनुरोध किया कि वे उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं ताकि उनकी पत्नी हेमा राव यह विश्वास कर सके कि वे महानायक अमिताभ बच्चन से मिले थे। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने उस पल को याद किया और कर्मवीर के रूप में सेट पर 35 साल बाद उन्हें फिर से देखकर चौंक गए।